Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, exercise 7b and question number 11. Question 11 is, look at the protractors and write down the angles they show. आपके पास आपकी बुक पे एंगल्स गिवन हैं, प्रोटेक्टर गिवन है, उसके ऊपर जो एंगल्स मेजरमेंट की गई हैं वो भी गिवन है. तो आपने चेक करना है कि ये एंगल किस डिग्री के हैं और उन एंगल्स को विद नेम लिखना है. तो वो आप अपनी बुक पे ही इसको सॉल्व करेंगे. किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पार्ट ए में आपके पास जो प्रोटेक्टर है उस पे जो आपके पास एंगल है, ये आपके पास एंगल किस डिग्री का है, सेंटर इसका क्या है, वर्टेक्स क्या है, ई सेंटर पे फिक्स है, उसकी बेस लाइन क्या है, यहाँ पे उसको जी का नाम दिया गया है, राइट साइड से हम अपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मींस कि हम कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं, इनर स्केल, क्योंकि हम राइट साइड से अपने एंगल को, जब हम एंगल राइट साइड से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो हम इनर स्केल यूज करते हैं. ये इसकी बेस लाइन राइट साइड पे है, इट मींस कि हमने एंगल को राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो हम इनर स्केल यूज करेंगे. इनर स्केल पे यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट मार्क्ड है, जो ये पॉइंट होता है, ये आपको बताता है ये कितनी डिग्री का है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. इट मींस कि ये एंगल आपके पास 80 डिग्री का है. तो आपने इस एंगल को मेजरमेंट करके यहीं पे अपनी बुक पे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल का साइन, उसके बाद एंगल की नाम क्या है उसका, जी, ई और एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ किस डिग्री का है, 80 डिग्री का. ये आपने अपनी बुक पे ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ये इसका आंसर है, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री, इतना ही इसका आंसर होगा. लेड पेंसिल से अपनी बुक पे ही इस प्रोटेक्टर की शेप के नीचे छोटा सा करके लिखना है, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री. नेक्स्ट, इसका पार्ट बी जो है आपके पास, आप देखें इस एंगल की मेजरमेंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. अगर राइट साइड से होती तो ये जो इसकी ये लाइन है, यहाँ पे आपके पास 160 और 165 का ये एंगल बनता है, लेकिन आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी बेस लाइन जो है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे. जब आप अपने एंगल को लेफ्ट साइड से मूव करना स्टार्ट करते हैं, मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कौन सा स्केल यूज करते हैं, आउटर स्केल. तो आपके पास यहाँ पे ये एंगल जो है, ये इसका सेंटर है, वर्टेक्स है, ये आपकी बेस लाइन है और ये आपका वो पॉइंट है जितनी डिग्री का ये एंगल है उस डिग्री को मेंशन किया गया है. तो ये कौन सी डिग्री है, 15. इट मींस कि ये एंगल किस डिग्री का है, 15. यहाँ पे आपने इसको मार्क्ड करना होगा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका वर्टेक्स होता है वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है. तो हम इसको कैसे करेंगे, आई एच जी या एंगल जी एच आई बी आप कर सकते हैं, एंगल जी एच आई, लेकिन एच आपका सेंटर में ही आना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है. ये कितनी डिग्री का था, 15 डिग्री, ओके. एंगल आई एच जी या एंगल जी एच आई, आप बेस लाइन को भी पहला लिख सकते हैं और इसको भी, एंगल आई एच जी इज इक्वल टू 15 डिग्री. आप एंगल जी एच आई भी लिख सकते हैं, किस डिग्री का है, 15 डिग्री का. ये हमारा पार्ट बी का आंसर था.
नेक्स्ट है पार्ट सी। अब देखें आपके पास ये जो एंगल है ये प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा रख के नहीं बनाया गया, प्रोटेक्टर को कर्व शेप में ले लिया गया है, ठीक है। तो आपके पास ये आपकी बेस लाइन कौन सी होती है एग्जैक्टली, जो आपके पास ये इस सेंटर को फॉलो करती है, ठीक है। जो आपके पास सेंटर से जा रही होती है, जा तो दोनों सेंटर से रही है लेकिन जो बेस लाइन होती है वो सेंटर से इस तरह मूव करती है सेंटर के साथ, ठीक है। ये आपकी बेस लाइन थी वर्टेक्स के साथ सेंटर के साथ और ये आपने पॉइंट पुट किया है। अब देखें आपके पास ये आपने प्रोटेक्टर को कर्व किया, यहां से इसको कर्व करते करते यहां पे लेके गए, तो अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप चेक करें इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है जीरो। तो हम अपर स्केल को यूज करेंगे, ओके। तो अपर स्केल पे क्या है, 0, 10, 20, 30, 40 and 45। यहां पे 45 पे इसकी लाइन लगी है, इट मींस कि ये एंगल 45 डिग्री का है। एक बार फिर सुन लें, ये एंगल आपका प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट रख के प्लेन रख के नहीं किया गया बल्कि इसको कर्व किया गया है। कर्व इस तरह से किया गया है जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, इस तरह से कर्व किया गया है कि इसकी ये जीरो वाली लाइन अब इसके इस तरह टेढ़ी आ रही है, ठीक है। और ये आपके पास उसका वो पॉइंट है जो आपने मार्क किया है, सो हम इसको बेस लाइन नहीं ले सकते। बेस लाइन हमेशा वो होती है जो आपके पास वर्टेक्स की बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जाती है, जो वर्टेक्स की इस लाइन को फॉलो करती है, ओके। ये तो आपके पास स्केल के मिड में से गुजर रहा है तो इट मींस ये तो मार्क्ड पॉइंट है, तो ये इसके लिए ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, आउटर स्केल यूज किया है, तो आपके पास ये एंगल कौन सा होगा, एंगल आपके पास इसका वर्टेक्स क्या है, के, तो आप जे के एंड एल, एंगल जे के एंड एल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था जिसकी मेजरमेंट्स आपको मेजरमेंट्स भी हुई हुई थी, जस्ट आपने उसकी मेजरमेंट्स को चेक करके लिखना है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन 11 इज कंप्लीटेड, इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 14 करेंगे, 12 एंड 13। क्वेश्चन 12 एंड 13 आर नॉट इंक्लूड इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन 14 इज ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं प्रोटेक्टर को यूज करके सिलेक्टिव पार्ट्स। क्वेश्चन 14 के हम सिलेक्टिव पार्ट्स करेंगे, वो कौन कौन से हैं, ए डी एफ जी एच के एंड एम। के पार्ट को भी आप बीच में से स्किप कर दें, के पार्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे। ए डी एफ जी, सॉरी ये आपके पास यहां पे ये पार्ट एच था, ठीक है, ये एच पार्ट था या के पार्ट था, या आप अपनी बुक पे चेक कर लीजिएगा ये पार्ट या एच है या के पार्ट है, ठीक है। जी पार्ट आपके पास ये है और एम पार्ट ये है, ओके। स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए में है आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब आपको मैंने बताया था कि आप अपना एंगल मेजर करना यहां से लेफ्ट से भी राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो इनर स्केल यूज करेंगे, अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो आउटर स्केल यूज करेंगे। तो 30 डिग्री का एंगल मैंने इसको राइट साइड से स्टार्ट किया है, इट मीन्स कि आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पे सेंटर पे आपने बिल्कुल ये सेंटर है इस प्रोटेक्टर का, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करें और इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे आपका प्रोटेक्टर एंड हो रहा है यहाँ पे भी उसका पॉइंट फिक्स करें। दोनों पॉइंट्स को आपने फिक्स कर लिया, ये दो पॉइंट्स इनकी बात की है मैंने, ये सेंटर पे फिक्स किया था और ये इसके सामने।
बेशक आप इन दोनों को पहले ही मैच करवा लें, बाद में भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 30 डिग्री का हमने एंगल मेजर करना है। आपका प्रोटेक्टर इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, पेपर पे आपने रखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर था, ये बेस लाइन है, तो राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो इनर स्केल यूज करेंगे, इनर स्केल में मेजरमेंट करेंगे जब तक 30 डिग्री ना आ जाए, 0, 10, 20, 30, ये आपके पास 30 आया तो आपने पॉइंट कहाँ पे फिक्स करना है, 30 के बिल्कुल सीधे में आप यहाँ पे चले जाएंगे और जहाँ पे प्रोटेक्टर की बाउंड्री है बिल्कुल बाउंड्री पे 30 के सामने पॉइंट फिक्स कर दें, यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट फिक्स कर दिया। अब आप इसको इसको आप इस वर्टेक्स से मैच करवा दें, ज्वाइन करवा दें, मिला दें इसको, ये जो आपने मार्क पॉइंट किया था डिग्री फाइंड करने के लिए उसको और वर्टेक्स को मिला दें। ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट था सेंटर पे जो था, ये इस पॉइंट से ऑलरेडी मिला हुआ था, इससे आपने मिला दिया, तो ये आपके पास इस फॉर्म में एंगल बनता है, ये यहाँ से 30 से यहाँ तक लाइन बनेगी और ये एक बेस लाइन, ठीक है, तो ये किस डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का, ये हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है, ओके, ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया है जो किस डिग्री का है, 30 डिग्री का। नेम देने की इसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जस्ट उन्होंने कहा था एंगल ड्रॉ करें, ठीक है, एंगल ड्रॉ करके उनकी डिग्रीज बतानी, डिग्रीज उन्होंने दी हुई थी, हमने इसके अंदर 30 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेंसिल में कंपस में पेंसिल को फिक्स करें और यहाँ पे जो इनके दरमियान इसके बिटवीन डिस्टेंस है यहाँ पे अपने कंपस की जो आपकी पिन है, नोक है कंपस की, उसको यहाँ पे रखें और यहाँ पे सूटेबल उसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे कर्व सी लगा दें और यहाँ पे लिखें 30 डिग्री। डिग्री आप लिखेंगे नहीं, डिग्री का सिंबल यूज करेंगे विच इज अ स्मॉल सर्कल, ओके। नेक्स्ट पार्ट डी, बी और सी हम नहीं करेंगे, पार्ट डी 125 डिग्री। स्टूडेंट्स जो पार्ट्स हम नहीं कर रहे वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल डैट वी फॉलोइंग स्मार्ट सिलेबस, ओके, सिलेबस को हमने शॉर्ट किया है, सो 125 डिग्री। अब 125 डिग्री का एंगल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब पार्ट ए में मैंने राइट साइड से एंगल मेजर करना स्टार्ट किया था, इसमें मैंने एंगल को लेफ्ट से स्टार्ट किया है, ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो आपका प्रोटेक्टर का ये सेंटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टर को पेपर पे रखा, सेंटर पे एक पॉइंट फिक्स करेंगे जो ये पॉइंट होगा, ठीक है, फिर इस सेंटर के बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्टर की बाउंड्री है बिल्कुल सेंटर के सामने यहाँ पे आप पॉइंट फिक्स करें जो आपने ये कर दिया, दोनों पॉइंट्स आपस में मिला दें। अब आपने यहाँ से 125 डिग्री का एंगल मेजर करना है, तो यहाँ से आप देखें इसको आपने फॉलो नहीं करना, इनर स्केल को लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट करें तो आउटर स्केल को फॉलो करना है, सो 0, 10, 20, 30, 40 ये हमने मेजरमेंट तब तक करनी है जब तक 125 नहीं आ जाता, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 and this one 125, 130 से 130 और 120 के दरमियान 125, ठीक है, एक आपने ये लाइन ड्रॉ की हुई थी यहाँ पे और 125 का एंगल ये बना बिल्कुल इस तरह, यहाँ पे आपने ये पॉइंट फिक्स किया। अब आप यहाँ पे जो 125 का पॉइंट किया मार्क किया, इस मार्क पॉइंट को और यहाँ पे जो सेंटर है इनको आपस में ज्वाइन करवा दें जिस तरह से यहाँ पे मैंने ज्वाइन करवा दिया, ये आपका एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा सेम एज प्रीवियस पार्ट्स, पेंसिल को कंपस में फिक्स करके यहाँ पे जितनी इसकी इसमें डिस्टेंस है सूटेबल उसको ओपन करके यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके ऊपर लिखना है आपने 125 डिग्री, ये आपके पास पार्ट डी 125 डिग्री हमने एंगल ड्रॉ किया है। पार्ट एफ 10 डिग्री, अब ये अगर आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से करेंगे तब भी इसी तरह से होगा, जस्ट वो इसके जो ओपन साइडेड है वो इस साइड पे आ जाएंगी और राइट हम मैंने यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो ये जो पॉइंट है ये हम इस सेंटर पे रख के लगाएंगे, प्रोटेक्टर हमारा पेपर पे है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेंटर पे ये पॉइंट लगाना है, ठीक है, फिर उसके बिल्कुल सामने प्रोटेक्टर की जो बाउंड्री होगी ये चीज़ राइट साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे पॉइंट फिक्स करेंगे, फिर 10 डिग्री
10 डिग्री हम देखें 1 और ये 10, क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट करें तो हम इनर स्केल यूज करेंगे, तो 10 यहां पे है, 10 के बिल्कुल आपके पास जो सामने इसकी लाइन है यहां पे प्रोटेक्टर की बाउंड्री पे बिल्कुल आप यहां पे पॉइंट फिक्स करेंगे, तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा। फिर आप ये जो मार्क पॉइंट है और ये जो सेंटर्ड पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे, आपके पास इस तरह का एंगल बनेगा। ठीक है, यहां पे पहले आपने सेंटर पे इस पॉइंट को सेंटर पे ये रख के ये पॉइंट लगाया, फिर उसके सामने प्रोटेक्टर की बाउंड्री में बिल्कुल यहां पे जहां पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है वो पॉइंट लगाया, फिर यहां से आपने इनर स्केल से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की और 10 जहां पे आया वहां पे पॉइंट फिक्स किया, दोनों को आपस में आपने ज्वाइन करवाया। आपका ये एंगल किस डिग्री का है? 10 डिग्री का। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट, ये मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट जी नहीं है, ये पार्ट एच है या फिर पार्ट के है। ठीक है, अगर तो ये पार्ट एच है तो इट मींस कि हमने पार्ट के नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और अगर ये पार्ट के है तो इट मींस हमने पार्ट एच नहीं करना, ये आपने अपनी बुक से देख के कंफर्म कर लेना है। ओके, इसमें आपके पास क्वेश्चन था 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है, वो आप किस तरह से करेंगे? जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आपको करवाया है, अपने सेंटर पे एक पॉइंट फिक्स करें और उसके सामने जो आपके पास राइट साइड से अगर करें तो यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है यहाँ पे सेंटर के सामने पॉइंट करें, पॉइंट मार्क करें, उसके बाद 45 आपने इनर स्केल यूज करना है क्योंकि आप राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45 यहाँ पे पॉइंट फिक्स करना है और इस पॉइंट को आपने सेंटर से ज्वाइन करवा देना, ये सेंटर पॉइंट होगा, तो ये आपके पास इस टाइप का एंगल बनेगा। ओके, सेंटर पे आपने ये पॉइंट लगाया, फिर उसके सामने जहां पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है वहां पे उसके बिल्कुल सामने बेस लाइन पे बिल्कुल सामने जाते हुए जहां पे प्रोटेक्टर की एंडिंग है 0 के बिल्कुल सामने आपने ये पॉइंट फिक्स करना है, और अब आप यहाँ पे फिर आपने मेजरमेंट करके वहां तक मेजरमेंट की जब तक 45 डिग्री नहीं आए, 45 डिग्री पे पॉइंट मार्क करके आपने उसको वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दिया। ओके, तो आपके पास ये एंगल किस डिग्री का है? 45 डिग्री। यहाँ पे बाय मिस्टेक क्वेश्चन नहीं लिखा गया, क्वेश्चन है आपके पास ये 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट जी, ये आपके पास एग्जैक्ट पार्ट जी है। पार्ट जी में आपने राइट एंगल ड्रॉ करना है, इट्स वेरी इजी, मैंने आपको एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा राइट एंगल और बाकी भी एंगल ड्रॉ करना सिखाए हैं। आपके पास ये ड्रॉ हुआ है, आपने इसको, आपको पता है ये कैसे करना है। सेंटर पॉइंट जो होगा आपने यहाँ पे सेंटर को रखना है प्रोटेक्टर के, और उसके बिल्कुल सामने बेस लाइन के बिल्कुल सामने जहाँ प्रोटेक्टर की एंडिंग हो रही है उसको यहाँ पे रखना है। अगर राइट लेफ्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे राइट उसकी लेफ्ट साइड एंड हो रही है 0 के बिल्कुल सामने आप वहां पे रखेंगे, लेकिन हमने राइट साइड से किया है तो राइट साइड पे इनर स्केल में जहाँ पे 0 के बिल्कुल सामने जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है वहां पे हमने ये पॉइंट फिक्स किया। फिर आपने इसको जब मेजरमेंट करेंगे तो हम इनर स्केल यूज करेंगे बिकॉज वी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, इनर स्केल को यूज करेंगे, तो आप इनर करें या आउटर करें आपके दोनों तरफ से 90 की बार आता है, ठीक है, 90 आपका एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर आएगा, सेंटर से दोनों पॉइंट्स को मिला दें ये एग्जैक्ट एल शेप में आ जाएगा जो कि 90 डिग्री का एंगल होगा। पार्ट एम आपका उसी तरह आपने ड्रॉ करना है जिस तरह आपने पार्ट डी में 125 डिग्री का एंगल ओपन किया ड्रॉ किया था, सेम आपके पास वही होगा, जस्ट आपने 125 से 130 पे जाना है। देखें प्रोटेक्टर होगा, आपने पेपर पे प्रोटेक्टर को फिक्स करना है, जहां पे सेंटर होगा सेंटर पे पॉइंट फिक्स करें, लेफ्ट साइड से हम कर रहे हैं तो उसकी बेस लाइन के बिल्कुल सामने 0 के सामने बिल्कुल यहाँ पे सेंटर के बिल्कुल सामने जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है यहाँ पे आप एक पॉइंट फिक्स करेंगे। ओके, फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें। अब आप जब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो आप आउटर स्केल यूज करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130, यहाँ पे ये आपका पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट मार्क करें और फिर उस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करवा दें, ये आपके पास इस टाइप का एंगल बनेगा। कंपास को ओपन करके यहाँ पे इनके डिस्टेंस के जितना इनका डिस्टेंस है सूटेबल उसको थोड़ा सा ओपन करके सेंटर पे उसकी पिन को फिक्स करके
ये आपने एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, ये एंगल का सिंबल, और इसके ऊपर लिखना है 130 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 130 डिग्री, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं एक्सरसाइज 7B के, ये क्वेश्चंस, इट मींस के आपको जो स्कूल की तरफ से सिलेबस दिया गया था उसमें कम क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, लेकिन ये मैंने दोबारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं, नोट्स पे भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 14, ये तमाम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7B के सॉल्व करने हैं। ओके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके अल्लाह हाफिज़।